बेके वाला आपका स्वागत है। ज्वालामुखी के समीप अद्वानी पंचायत में गौ सदन ज्वालामुखी का काम पिछली सरकार ने शुरू किया था और 2017 में ये गौशाला बनकर तैयार हो गई थी, जिसको कि अभी तक चालू नहीं किया गया है। अब प्रदेश सरकार ने जगह जगह आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं खोल रखी है। अब बहुत जल्दी ज्वालामुखी में अद्वानी और लुथान में भी गौ सदन तैयार किए जाएंगे। ज्वालामुखी के समीप अद्वानी पंचायत में गौ सदन ज्वालामुखी का काम पिछली सरकार ने शुरू किया था और 2017 में ये बनकर तैयार हो गया था, जिसको अभी तक चला नहीं सके। अब प्रदेश सरकार जगह जगह आवारा पशुओं के लिए गौ सदन खोल रही है। अब बहुत जल्दी ज्वालामुखी में अद्वानी और लुथान में गौ सदन तैयार किए जाएंगे। ज्वालामुखी में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा पहुंचे, उनके साथ हिंदू हिमगिरी महासभा अध्यक्ष संजय शर्मा, महासचिव प्रदेश कृष्ण शर्मा, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अतुल चौधरी, डॉक्टर संजीव कुंडू व अन्य विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर उनका ज्वालामुखी पहुंचने पर स्वागत किया गया। अशोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वालामुखी में जल्द ही गौ सेवा सदन कार्य करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशानुसार गौ वंश को आश्रय देना ही गौ सेवा आयोग का असल मकसद है। इस मौके पर उन्होंने ज्वालामुखी नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी देशराज चौधरी को भी फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि ज्वालामुखी गौ सदन अब तक क्यों नहीं चला है, जो भी खामियां हैं उन्हें जल्द दूर करके गौ सदन को 2 महीने के अंदर अंदर चलाया जाए। इसके लिए वे खुद जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति से बैठक करेंगे। हमारा सड़कों पे घूम रहा है, इसको कहीं आश्रय मिले और बढ़िया मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि कोई भी गोवंश एक भी सड़कों पे नहीं दिखना चाहिए, तो उस विषय में ये लोथान में जमीन जो देखी है, ये केस अंडर ट्रांसफर है, बहुत जल्दी इसको गौ सेंचुरी का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके दूसरा पालमपुर के पास में बड़सर पोस्ट ऑफिस में एक जमीन है, वो भी अभी देखनी है। ऐसी गौ सेंचुरी पे बहुत सारा काम हो रहा है, करीब करीब 7 गौ सेंचुरी हिमाचल में, 3 का तो काम चल रहा है, 1 कंप्लीट हो गई है, 2 का काम चल रहा है, 4 का अभी जमीन की प्रक्रिया चालू है, विद इन 2 मंथ ये भी चालू। माता का आशीर्वाद रहा तो ये गोवंश सड़कों पे नहीं दिखेगा। कितना टाइम लिया जी आपके ईओ कमेटी वाले ने, जो ईओ साहब यहाँ पे हैं, उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया कि 2 महीने में एक कोई नाला है वो बनके तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये गौशाला चालू कर दिया जाएगा। गौशालाएं हमारे पास है ना जी, पहले तो हम गौशाला में क्या करते थे, भाई घास डाल दिया, गोबर उठा दिया, बस इतना ही काम था। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और मंत्री जी की भी इच्छा है कि हमारे जो गौशाला में गोबर और गौमूत्र इतना होता है, इसके जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो हम लोग ट्रेनिंग पे लोगों को भेजेंगे। कुछ लोग हमें आज मिले भी हैं जो ट्रेनिंग करके आए हैं तमिलनाडु से, तो इन लोगों को रखेंगे गौशाला में, गौशाला को गो विज्ञान के अंदर बोला जाएगा।